बर्ड्स यहाँ पे मेरे दोनों भाई के साथ यहाँ पर शूट हो रही है। अच्छा, ये दो दो जगह पे फोटो शूट करने का क्या मतलब है? इधर भी और इधर पीछे से क्यों मनती है? Why are you closing my video? यहाँ अंदर आके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एकदम देख सकते हैं आप अंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मीटअप नहीं था लोगों के साथ, मेरा मीटअप होने वाला है यहाँ पे। फाइनली कराची पहुँच गई हूँ और यहाँ हमारा मीटअप होने वाला है। और ये देखें, ये वो हॉल है और यहाँ पे अभी सब लोगों को ना गैदर किया जाएगा, ऑडियंस गैदर की जाएगी, उसके बाद मीटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत मजा आने वाला है। नीचे लेकर जाएगी क्योंकि हम लोग आए हैं ग्रैंड ग्रैंड मीटअप के लिए। और आज फाइनली जो है वो हमारा जो है वो बहुत सारे जो है ना वो फैंस के साथ मीटअप होने वाला है। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग हमें किस तरह से ना एडमायर करते हैं। और ये है बिया, आप लोगों ने कहना है बिया की तरह। तो 2000 years later अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। और आज हम मौजूद हैं ग्रैंड एट्रियम पे, यहाँ का आप लोगों को विजिट करवाने वाले हैं। एंड सफाई पर जा रही है 50% ऑफ तुर्किश आइसक्रीम, और यहाँ पे तुर्किश आइसक्रीम भी है, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। आज हम लोग जो है वो अलग किस्म के चैलेंजेस करने वाले हैं जो कि बहुत मज़े के होने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बिया की तरह, तो मैं बिया को दिखा रही हूँ। मैं तो बैठी हुई हूँ, वो आप लोग मिल जाते हैं। सो फैमिली जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। सो हम लोग जो है आप चलते हैं ब्लॉग की तरफ, एक्साइटेड सी बातें सुनाते हैं। तो यू व्यूवर्स, यहाँ पे इंतहाई ये हुआ है कि हमारा थोड़ा मैसअप चल रहा है। हम लोग ने ऑर्डर करना था कुछ, लेकिन बजट नहीं बन पा रहा, जगह बहुत महंगी है। पानी जो है ना यहाँ पे, ये वाटर ही जो है वो इतना सा नन्ना सा 90 का दे रहे हैं। अंदर चलते हैं मूवी। सो अब हम जाएंगे अंदर, थोड़ी मूवी बना के आते हैं और फिर यहाँ पे आके सोचते हैं कि हमने क्या करना। चलो चलिए, यहाँ अंदर आके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एकदम यहाँ देख सकते हैं आप अंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मीटअप नहीं था लोगों के साथ, मेरा मीटअप होने वाला है यहाँ पे। फाइनली कराची पहुँच गई हूँ और यहाँ हमारा मीटअप होने वाला है। और ये देखें, ये वो हॉल है और यहाँ पे अभी सब लोगों को ना गैदर किया जाएगा, ऑडियंस गैदर की जाएगी, उसके बाद मीटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर कितना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 30%, 40% and 50% जो है वो वन शॉप है जहाँ पर चल रहा है। और ये जो शॉप है ये भी हमें दे रही है 30% ऑफ। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपना जो है फेवरेट ब्रांड को ग्रैब कर सकते हैं। ये बच्चों की चीज़ें थी, नीचे ऊपर कार्गो है और जो सारा सफिनाज और सफायर वगैरह की शॉप्स हैं वो ऊपर हैं। ये भी है कि ओवरऑल लुक है। और अब हम आ गए हैं मेकअप पे, तो क्योंकि मेकअप पे चल रहा है फ्लैट 70% ऑफ, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको भी ग्रैब किया जाए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन कौन से ब्रांड की जो है इन्होंने चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे स्पेसिफ़िकली एक स्पेशल ब्रांड है जिसकी चीज़ चाहिए थी। तो लगे हाथ मैंने सोचा ज्वेलरी वगैरह को भी देख लिया जाए कि कैसी है। सो ये मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ। अच्छा, ये आप अभी फ्लावर वाले स्टड देख रहे होंगे, ये कानों में बहुत खूबसूरत लगते हैं, प्यारे लगते हैं। मैंने आपको ये करीब से दिखाए हैं, इसे कलरफुल भी हैं और प्यारे भी लगते हैं बच्चियों के कान पे ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्होंने आजकल स्कूल गोइंग जो कॉलेज गोइंग होती हैं उनके कानों में बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये रिंग कलेक्शन है और इसमें से मुझे ये रिंग जो है ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। अगर ये वियर किया जाए ऐसे भी और ऐसा पार्टी वियर भी और ऐसे वैसे ऐसा कैजुअली भी अगर हम इसे वियर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बाकी ये छोटी छोटी रिंग्स जो होती हैं ये प्यारी लगती हैं। और मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। तो ये है ब्रेसलेट और ये हैं, ये पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा चले थे ये जो है कड़े वगैरह। सो ये भी यहाँ पर मौजूद है, मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। और ये हैं रिंग्स और उसके साथ ही छोटे छोटे इयर रिंग्स। और ये यहाँ पे लगे हुए हैं जी ग्लॉस वगैरह और मैट वगैरह जो
जो हम लोग अपने फेस पे ये बेस वगैरह ना ये वो वगैरह लगी हुई है, और इसको भी मैं करीब से इसलिए देख रही थी, मैं ये देख रही थी कौन से ब्रांड की है। तो यहाँ पे एक ब्लश ऑन है जिसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, ये देखिए कितना प्यारा है। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर है, ना तो ये रेड में आ रहा है ना ये पिंक में आ रहा है। बड़ा प्यारा प्यारा रोज़ रोज़ सा कलर है, बड़ा खूबसूरत सा कलर है। तो ऐसा कलर जो होता है ना मार्केट से बहुत कम मिलता है। उसके बाद इन्होंने बहुत से ब्रांड्स को जो है प्रमोट करने के लिए उनकी चीज़ें लगाई हुई हैं। और ये है ओवरऑल मेकअप, ये लड़कों की चीज़ें हैं जो यूज़ करने के लिए हैं, फेस वॉश एंड और ये फेस स्क्रबिंग वगैरह। स्क्रब जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता था, ओनली 200 का। वैसे भी इसके ऊपर फ्लैट 70% ऑफ चल रहा था, तो इस वजह से भी बहुत सस्ता मिल रहा था। सो यहाँ पे कुछ और जो है वो लिप ग्लॉस की चीज़ें हैं, और ये इन्होंने बनाया हुआ है स्पेशल सीरम कॉर्नर। यहाँ पे ओनली सीरम्स लगे हुए हैं और आप ट्राई भी कर सकते हैं आपकी स्किन टोन के लिहाज से। और आपको यहाँ पे जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगी कि आपकी स्किन के लिहाज से कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके बेस्ट लगेगी। तो यहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि मेरे फेस पे कौन सा जो है गूगल अच्छा लगेगा, गूगल यानी कि ऐनक। तो ये जो पिंक वाला था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत बड़े फेस के लिए था। बहुत से बड़े बड़े फेस वाले लोग जो होते हैं ना ये चीज़ें लगा लेते हैं जिससे आधा फेस जो है वो छुप जाता है, आधे फेस को छुपाने के लिए चीज़ें काम आती। तो वैसे मुझे इतना ज़्यादा शौक़ तो नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई आउट कर रही हूँ कि कौन सा जो है वो मेरे फेस के साथ जाएगा और कौन सा मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा प्यार लेगा। बट ये इतने बड़े बड़े हैं, मेरा फेस लग रहा था बहुत ज़्यादा छोटा, और ये जो है ना ये बड़े बड़े जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लग रहे थे। सो मैंने सोचा कि कोई तो होगा जो मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, बट कोई नहीं मिला। बट ये इधर लास्ट वाला है, ये मैं ट्राई आउट कर रही हूँ, और ये देखें ये फेस पे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं था कि मैं इसे परचेज कर लूँ। तो व्यूवर्स अब हम लोग आ चुके हैं जी शॉपिंग करने वाली एरिया में, ठीक है पीछे नज़र आ रहा होगा सारा। और अब हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, और ख़ासतौर पर बहुत से लोग कह रहे थे कि आप लोग जो है ना हेयर मास्क का रिव्यू दें, तो मैं यहाँ से स्पेशल हेयर मास्क लेने आई हूँ, फिर मैं लाइन का रखने आ गई हूँ। चलते हैं उस लाइन में और आपको दिखाते हैं। तो ये एक ही मॉल के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अल्फा ते भी इसके अंदर मौजूद है, जहाँ से आपको मिल जाएगी दुनिया भर की हर एक चीज़, स्विमिंग पूल से लेकर खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें से लेकर सब्जियाँ, ग्रॉसरी, एवरीथिंग। सो यहाँ से हम लोगों ने लिया है क्रिएटिंग हेयर मास्क, जिसका रिव्यू जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। और यहाँ पे हमने बिल करवाया और हम निकल गए। अब मुझे एक और जो है ना वो स्टेयर चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये चढ़ते चढ़ते ही मेरा मोबाइल स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं यहाँ से गिरने वाली थी ऑनलाइन। वो जो नीचे लड़का खड़ा है ना उससे कहना है मैडम आपने इसको झूले संभल लिए, तो ये झूले नहीं है। मैं अब एक झूला लेकर आऊँगी ठीक है। मैं हम देसी पेंडू लोग हैं, हम यही काम करते हैं। हम जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हम लोग पागल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो अब से लोग वैसे ये कर रहे हैं कि पार्टनर जो आपके साथ होती है वो मैरिड है या अनमैरिड। मैं सिंगल हूँ, शदी सिंगल। तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं और भी बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ठीक है। मैं इसलिए अभी ऊपर आई हूँ, पूछ के मुझे अभी एक सीढ़ियाँ चढ़नी थी और मैं चढ़ के आ गई, इसके अलावा मुझे तो चढ़ी। यस शॉपिंग बैग नहीं दिया। अच्छा कल मेरे बैग, सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द मॉल। शॉपिंग बैग बड़ा हुआ था। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हमें सिक्योरिटी जो है वो नीचे लेकर जाएगी, क्योंकि हम लोग आए हैं ग्रैंड मीटअप के लिए। और आज फाइनली जो है वो हमारा जो है वो बहुत सारे जो है ना वो फैंस के साथ मीटअप होने वाला है। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड के लोग हमें किस तरह से ना एडमायर करते हैं। और ये है बिया, आप लोगों ने कहना है बिया की तरह, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मॉल के बैक की लुक कुछ इस तरह की है ठीक है। सो बहुत ही मज़े का व्लॉग है,
एंड तक वॉच कीजिएगा। सो इससे पहले कि हमें अम्मी लोग से बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाए और मार भी पड़ने के चांसेस बढ़ चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, तो मैं अब आज के व्लॉग को करेंगी यहीं पे एंड। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय। सो व्यूवर्स यहाँ पे व्यूवर्स अब हम घर जा रहे हैं, सैड हो गई हूँ ना मैं, जब भी घर जाने की बारी आती है दिल उदास हो जाता है, मेरा तो उदास हुआ तुम्हारा हो जाता है वो फिट। जब तक सैर होती रहे मज़ा आता रहे, जैसे ही घट जाना है दिल उदास। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।